हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीना ब्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और आज बहुत बारिश हो रही है, आप कह सकते हैं अभी बारिश रुकी हुई है। तो मैं ऊपर चेक करने के लिए आई थी कि कुछ सामान तो नहीं है, और ये मैडम हमारे पीछे आ गई हैं। पीहू क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? ये काम करने आई है मेरे साथ। आज के नाश्ते में बनाए थे हमने फ्राइड राइस, जो रात के चावल बचे हुए थे हमने उन्हें फ्राई कर लिया था, और वो खाने में बहुत टेस्टी लगे थे। और मैंने सॉस डाल के खाया तो मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। पियो के पापा की मीटिंग थी सुबह में, तो गाजियाबाद मीटिंग थी, तो वो सुबह ही जल्दी निकल गए थे 5 बजे के समथिंग। और अब मैं दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने पीहू को सुला दिया है। बहुत जल्दी सो गई वो आज, क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी आज मॉर्निंग में मेरे साथ, तो इसलिए वो जल्दी सो गई। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी छौंक दी और दूसरी तरफ मैं चावल छौंक रही हूँ। और अब मैंने 2 ग्लास इसमें पानी डाल दिया, और अब मैं इसमें लगा दूँगी 2 सीटी। खाना बन के तैयार हो गया है, तो अब मैं कर दूंगी पापा को फ़ोन ताकि वो खाना खाने के लिए आ जाए। चावल भी तैयार है, हमारी सब्जी भी तैयार है, और हमारी रोटी भी बन के तैयार है। पापा को फ़ोन कर दिया है खाना खाने के लिए, बस वो 10 मिनट के बाद आती होंगी, फिर उसके बाद हम लोग भी खाना खा लेंगे। पीयू जल्दी सो गई है क्योंकि आज वो बहुत परेशान कर रही थी, सुबह जल्दी उठ गई थी मेरे साथ, तो वो सो चुकी है। जब वो उठ जाएगी तो मैं उसको खाना तब खिला दूँगी। और उसके बाद आ गई मैं किचन में चाय बनाने के लिए शाम की। तो हमारे यहाँ पे दिन में 3-4 बार नहीं, आप कह सकते हो कि 7-8 बार तो चाय बनती ही होगी, लेकिन आज शाम का खाना नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग जाएंगे एक शादी में। तो आज भाई साहब लेके जाएंगे, क्योंकि पीयू के पापा तो है नहीं, तो भाई साहब लेके जाएंगे हमें शादी में। पता नहीं पीयू कितना परेशान करेगी वहाँ पे। तो यहाँ पे पापा चाय लेने के लिए आ गए थे, तो मैंने पापा को यहाँ पे चाय दे दी है मम्मी की, क्योंकि मम्मी गाय की तरफ है। हम जो जा रहे हैं गाय की तरफ। शाम में फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो लग नहीं रहा था कि हम उस शादी को अटेंड कर पाएंगे। और यहाँ पर पीहू फिर से, मतलब बिना मोजे के फिर से फर्श पे घूमना शुरू कर दिया उसने। मैं कह रही हूँ बिस्तर पे बैठ जाओ, मैं नहीं तो आपको बाहर लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर भी वो नहीं बैठ। समय जाना है एक शादी में, तो अब मैं तैयार हो जाती हूँ। पीहू को तो मैंने तैयार कर दिया है, तो चलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत ही नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है मैं उन्हीं से ही मेकअप कर रही हूँ, तो बहुत ही लाइट वेट मेकअप कर रही हूँ। थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि किचन का थोड़ा सा काम नहीं निपटा था, तो यहाँ पर मैं सारा काम वाम निपटा के तो अब मैं तैयार होने के लिए यहाँ पर आ गई थी। और तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन, और फिर मैं इसे हाथ से ही ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसे कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है, और उसके बाद मैंने आई शेडो लगा लिया है बिल्कुल फिंगर की हेल्प से। और उसके बाद बस हम लोग तैयार हो गए हैं। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने स्वेटर भी कैरी कर लिया है, तो मैंने अपना स्वेटर यहाँ पर पहन लिया। और मैं पहन रही थी अपने इयररिंग्स, मगर नीचे से बार बार आवाज़ ही लगाई जा रही थी कि आ जाओ, हम लेट हो गए थे। बाकी में हम बहुत लेट हो गए, तो मैं दुपट्टा ओढ़ के तैयार हो चुकी हूँ, मैं भी तैयार हूँ और पीहू भी। तो पीहू चलने लगी है पैदल, तो अब मैं ठीक से चल रही हूँ, वरना जब मेरी गोद में थी तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। पापा नहीं है तो, और
फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं पंडाल, और पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत दिनों बाद कोई शादी इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ बच्चों के लिए फ्रूट चाट आ गई थी तो वो उसे इंजॉय कर रहे थे, और मैं डायरेक्टली आई थी अपने लिए खाना, क्योंकि जो नाश्ते के काउंटर थे उन पर बहुत भीड़ थी, तो मैं अपने लिए खाना ले आई थी और खाना खा के हम तुरंत निकल गए। तो खाना वाना सबका हो गया है और अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, और पीयू बिल्कुल तैयार है। और ये और पीयू के पापा रात को ही आ गए थे 12 बजे के समथिंग, और यहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, खाना खा के नहीं आए थे। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।